कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बेंगलुरु में कहा कि कांग्रेस बोल रही है कि वे बजरंग दल को बैन करेंगे, मुस्लिम आरक्षण को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण को ही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिन्ना भी अगर जिंदा होते आज तो ऐसा घोषणा पत्र वो जारी नहीं करते। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है, लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। और कांग्रेस द्वारा पीएफआई और बजरंग दल की तुलना किए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई और कांग्रेस के बीच पूर्व में रहे गठबंधन को कांग्रेस के इस बयान के प्रति जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कर्नाटक से। तो नीरज, हमने देखा कि अपने घोषणा पत्र में इस बात को ये कांग्रेस ने बहुत ही रेखांकित किया है कि पीएफआई पर तो बैन जारी रहेगा लेकिन बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात घोषणा पत्र में की गई है और इसको लेकर बहुत नाराजगी है। देखिए, बिल्कुल नाराजगी है। और अगर आप देखें कांग्रेस के पूर्व के अगर भाषणों को असीम देखें कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उसामा बिन लादेन और जाकिर नायक को जी कहकर संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा बाटला एनकाउंटर में किस तरीके से वो बताते हैं कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा रही हैं उनको रात भर नींद नहीं आई है और खुद कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक खास वर्ग का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तुष्टिकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी करती है। और अगर यहाँ भी देखें बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात जो कांग्रेस पार्टी है वो करती है, लेकिन आप अगर देखें कि पीएफआई जैसे संगठन, जैसा कि असीम में पहले भी जिक्र कर रहा था कि पीएफआई जैसे संगठन केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में यहाँ पर फलते फूलते रहे और खासतौर से उस समय जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में रही, क्योंकि ये कोई संगठन ऐसा नहीं है कि एक दिन में खड़ा हो गया हो, कई सालों तक ये संगठन यहाँ पर सक्रिय रहे। आज जरूर इन संगठनों पर कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गृह मंत्रालय इन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। पीएफआई संगठन से जुड़े तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और अभी भी कुछ दिन पहले पीएफआई को लेकर लगातार जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो गृह मंत्री अमित शाह के जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार कर रही थी, एनआईए ने लगातार उस पर कार्रवाई की। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर तुष्टिकरण की जो राजनीति है वो यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। आप देखें कि किस तरीके से हर चुनाव में व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। कर्नाटक चुनाव में भी जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस तरह के अपशब्दों का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। यहाँ पर विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरीके से उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, उनकी जीवन यापन को, उस पर कोई जो बात है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। फ्री बी की तमाम जो योजना है वो यहाँ पर लोक लुभाने कह सकते हैं कि जो वायदे हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और एक तरीके से तुष्टिकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ होती हुई दिखाई प्रतीत होती है। क्योंकि जिस तरीके का घोषणा पत्र आप देखें कि जब आप कांग्रेस ये कहती है अपने घोषणा पत्र में वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन आप अगर देखें बजरंग दल में भी एक बड़ा तबका है जो कर्नाटक के अंदर रहता है, जो लाखों की संख्या में जो आबादी है, जो उनके सपोर्टर हैं, और जरूर नहीं कि हर सपोर्टर सड़कों पर उतरकर हिंसा फैला रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिना सोचे समझे बैन करने की बात करती है। तो ये एक तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताजा अपडेट्स को चित्रदुर्ग कर्नाटक से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।